सो वेलकम बैक टू डिजिटल हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से 10 GB फ्री प्रॉक्सी ले सकते हैं, और जो प्रॉक्सी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉक्सी है। इसमें आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि आप किस तरह से 10 GB फ्री में ले सकते हैं। अब प्रॉक्सी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, जाहिर है आपको कुछ ना कुछ करना होगा, तभी आपने ये वीडियो ओपन किया और आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप ले सकते हैं 10 GB फ्री। प्रॉक्सी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपना आईपी चेंज कर सकते हैं। और ये जो है प्रॉक्सी भी जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इसका वर्क बहुत अच्छा है, तो आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने अगर बल्क में अकाउंट्स मैनेज करने हैं, फेसबुक के हो गए, इंस्टा के हो गए, यूट्यूब के हो गए, इस तरह के डिफरेंट अकाउंट्स भी आप मैनेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स भी मैनेज कर सकते हैं इस पे, मतलब डिफरेंट टास्क हो सकते हैं आपके मैनेज करने के। और ग्रीन टिक जो करवाते हैं, एडसेंस अप्रूवल करवाते हैं, वो भी ये आईपी यूज़ करके, ये प्रॉक्सियाँ यूज़ करके अपने जो टास्क हैं उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। मैंने 10 GB लिया था, लेकिन ये मैंने पेड बाय किया था, उस वक्त इनका ये सीन नहीं चल रहा था, 10 GB फ्री ये रिवार्ड नहीं दे रहे थे, तो अभी ये देने लगे हैं, तो इससे आप भी फ़ायदा उठा लें। ठीक है, इनकी बेसिकली प्रमोशन चल रही है, 10 GB फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। ये जो प्लान है ये मैंने बाय किया हुआ है, ये इनके 10 GB जो प्लान है वो कम से कम $20 का मिलता है आपको एक महीने के लिए, तो 6 GB मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपने किस तरह से फ्री में 10 GB लेना। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 922 सर्च करना है गूगल पर, पहली पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, इसको ओपन कर लेना है आपने, और सिंपल आपने यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है। लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ मैं, कंटिन्यू। तो जी, मैंने लॉगिन विद गूगल किया और कंटिन्यू किया। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास 0 है, कुछ भी नहीं है। इसी अकाउंट पे मैं आपको 10 GB फ्री जो है वो रिवार्ड लेके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोक्सीज पर जाना है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 0-0 खड़ा हुआ है, और इसके साथ आप ये देख रहे होंगे डाउनलोड प्रोक्सी मैनेजर फ्री 10 GB। ठीक है, इस एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड करना है। इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको ओपन करता हूँ, यस, इसको इंस्टॉल करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, इसको आपने इंस्टॉल होने देना और फिनिश पे क्लिक कर देना। अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, अगेन ये आपको इसने रीडायरेक्ट कर दिया है दूसरे पेज की तरफ, आपने अगेन गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है, या आपने ईमेल या पासवर्ड अगर दिया होगा तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करता हूं मैं, तो ये देख रहे हैं वेलकम टू यूज़ प्रॉक्सी मैनेजर फ्री गिफ्ट फॉर यू 10 GB। ठीक है, अब मुझे 10 GB मिल चुका है, जो कि $20 से कम नहीं मिलता आपको इस कंपनी का। ठीक है, मैं ट्राई नाउ पर क्लिक करता हूं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो आपने देखना है। यहां पे आपने ऐड पोर्ट पर क्लिक करना है, और यहां से आपने कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करता हूं, आपका कोई भी कंट्री हो सकता है, जो भी कंट्री आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहां से कर लें। इसके बाद यहां पे ड्यूरेशन जो है यहां पे मैं 120 कर देता हूं, और यहां से मैं रोटेटिंग आईपी सिलेक्ट करता हूं। अब रोटेटिंग आईपी क्या होता है कि आपका जो आईपी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, आप किसी भी ब्राउजर में अगर यूज़ करते हैं, आईएक्स ब्राउजर में करते हैं, एड्स पावर में करते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर वेट करना है आपने। ये इसके बाद आपने यहाँ से ये जो फाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से फाइल है, वो बनी भी है। अब इसका जो फॉर्मेट है ना वो चेंज हुआ होगा, आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपको एड्स पावर का भी दिखा देता हूँ, आपको आईएक्स ब्राउजर का भी दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। अभी मैं एड्स पावर ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स बनी है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ पहले। अच्छा, मैं इसका ना एड्स पावर का न्यू अकाउंट साइन अप कर देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स बनी हुई थी, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अच्छा, आप ये नोट कर रहे होंगे कि मैंने इनके दरमियान में डॉट्स लगा दिए हैं। अब ये भी एक मेथड होता है, मैं इसमें कहीं पर भी डॉट लगा दूँ एड से पहले तो ये ओरिजिनल मेल पे ही जाएगा। ये बल्क में अगर आपने यूज़ करना है ईमेल्स, आप चाहते हैं एक ही मेल पर कोड आए, तो आप इस तरह से ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करता हूँ मैं, अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक दफ़ा। ये देख रहे हैं एड्स पावर का मेरे पास कोड आया हुआ है, इस कोड को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पुट करता हूँ, और यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ कोई, साइन अप पर क्लिक करता हूँ। तो जी, अकाउंट मेरा है वो साइन अप हो गया, इसको मैं फिलहाल स्किप करता हूँ और आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे रैंडम नेम दे देता हूँ कोई, यहाँ पे आप कस्टम प्रॉक्सी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सॉक्स 5 सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें होस्ट पोर्ट प्रॉक्सी यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, अब ये जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी वो ये फाइल है। अच्छा, आपको इसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये वेबसाइट है, इसका आप URL देख लें, यहाँ पे आपने वो जो है पेस्ट करना है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिक्स प्रॉक्सी पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो इसने मुझे दिया है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और एड्स पावर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं टेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने फिक्स कर दिया, यहाँ पे चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करना है आपने, और ये देखें आप ये US की प्रॉक्सी मुझे मिल गई है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा बन गया, इसको मैं ओपन करता हूँ,
एक तो ये तरीका है, आप सिंगल प्रोफाइल का इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोक्सीज के अंदर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रोटेटिंग प्रोक्सी हो, एक ही दफा आप प्रोक्सी लगाएं और वो ऑटोमेटिकली हर प्रोफाइल में मुझे सिर्फ पहले से ऐड हुई खड़ी हो, वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ऐड प्रोक्सी पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे वो जो है आपने सिलेक्ट कर लेना है सोक्स 5। यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मेट जो भी था, और यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू प्रोफाइल बनाऊंगा ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ सेव्ड प्रॉक्सी में जाऊंगा, सिलेक्ट प्रॉक्सी करूंगा, ये यहाँ पे पहले ही आई भी होगी। चेक प्रॉक्सी करता हूँ, ये देखें इसने ऑटोमेटिकली अब दोबारा से फेच कर लिया। अब ये रोटेटिंग का मतलब है कि हर दफा आईपी चेंज होगा आपका। ये देखें पहले 58 था, अब 95 हो गया। अब इसको आपने गौर करना है, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसको आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा, ये देखें ये और चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। वन बाय वन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप इकट्ठा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसको ओपन किया हुआ मैंने ब्राउजर को, यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये इसका आईपी है। ओके, बाकी आप सर्चिंग भी करके आपको दिखा देता हूँ। गूगल यहाँ पे सर्च करता हूँ और ये सर्च हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ। एड्स पावर का तरीका ये है यूज करने का, ठीक हो गया। बाकी IX ब्राउजर का क्या तरीका है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। IX ब्राउजर में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी रिसोर्सेज में जाएंगे, स्टैटिक प्रॉक्सी पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सोक्स 5 सेलेक्ट कर लेना और वो पेस्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे डिटेक्ट क्लिक करना है, ये देखें इसने ये फेच कर लिया है यूएस, और ये आईपी देख रहे हैं 251। अगेन मैं इसको करता हूँ, ये अब इसने चेंज कर दिया। इसी तरह कन्फर्म करेंगे आप तो आपका ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल न्यू प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने कोई भी आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रैंडम नाम देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड अगर आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें, नहीं तो आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं। उसके बाद यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट अगर करेंगे तो आपके सामने ये रैंडम सेलेक्ट हो जाएगी कोई भी, इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये देखें ये ऑटोमेटिक आ गई। क्रिएट पे क्लिक करें और इंजॉय करें, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करता हूँ इसको तो ये देख सकते हैं आप, ये भी 100% वर्किंग है। ओके, तो इस तरह से आप फ्री में 10 GB प्रॉक्सी ले सकते हैं, आपका कोई भी पर्पस है आप उसके लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।